मैं खाती फिर मेरे लोटा कर गया, फिर मैं खा ही ली कजो रूह मारनी क्या पता। चलो गारी बोली मम्मी बड़ी चलाक हो, अकेली अकेली खा रही हो मलाई। कल की जा रही है मलाई पसंद करते परौंठे ने ना मलाई डफनी। हेलो गाइस, ये देखिए मेरी प्यारी प्यारी बुआ और मेरी कजन सिस्टर यानी कि बुआ की बेटी और मेरी लकचड़ी छोटी बहन और हमारी बुआ ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, बहुत ज़्यादा। बता देती हूँ कैसे कि हमारा पेट पहले से भरा था, उसमें एक गिलास दूध का ठुसवा दिया और सबसे बड़ी बात क्या है गांव में हिमाचल में कि वॉशरूम जो है अंदर नहीं है, बाहर खेतों में है। और अभी सोने से पहले भूत प्रेतों की बात की गई है और हम जरा फट्टू किस्म के आदमी है। तो गाइस अब आप बताओ कमेंट करके कि मैं टॉयलेट लेके गई हूँ ऐसा कोई ऐसी कोई गाइस वो अभी लेके गई है, जब तक जाग रही है, सोने के बाद कोई गारंटी नहीं है। नहीं तो, हमें उठाइए, हम आपको आधी रात को लेके जाएंगे। देखो मैं पहले कह रही हूँ कि अगर रात को कोई दुर्घटना हो जाती है बिस्तर के अंदर तो हम लोग जिम्मेवार नहीं है, ये सब बुआ का करता धरता, बुआ ने क्या जो किया है। और एक हमारा कजन ब्रदर है बाहर सोया हुआ है गदू, उसने खूब बातें करी है, खुद तो सो गया और हमें कहा था रात के 12 बजे ठल 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 ठल। हमें समझाया गया है कि जो शाम के टाइम घर में चोर घुसते हैं उनको कस्टोर बोलते हैं और जो रात को 2-2:30 बजे आते हैं उनको चोर बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन चोर एंड कस्टोर। मैं अपनी बेटियों को पक्की कर रही हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है कि बेटियां 40-40 साल की हो रही है तो पक्की कर रही है। ये बुढ़ापे में थोड़ी खुंडे लगते, छोटे छोटे लगते हैं गाइस, ये तो गलत बात होगी ना। हाँ, चलो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आधी रात को जाना पड़ जाए तो फिर हम क्या करें। अब मैं नहीं डरती हूँ, जो डरते हैं उनको हम लेके जाएंगे साथ में, वो अलग बात है कि अब ऐसे बिस्तर पे टॉयलेट करना तो अलग बात है। गाइस हम बोलेंगे कि हम बेहोश हो गए थे, ऐसा लगा कि हम वॉशरूम जा रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कुछ भी। तो गाइज ये हमारा छोटा सा ब्लॉग था हंसी मजाक का, और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी बुआ का अत्याचार कैसा लगा। देखो तो आप सभी को नेक्स्ट मॉर्निंग की प्यार भरी गुड मॉर्निंग, और इसी के साथ हमारा होता है स्टार्टिंग आज का दिन, और जिसमें मधु बना रही है चाय और मैं बैठी हूँ उसके बगल में। मैंने कहा था चाय बनाने को, कहती नहीं मैं बनाऊँगी। और अब हम सब्जी काट रहे हैं, और ये मेरी बुआ का छोटा बेटा है श्याम, मेरे से 4 साल छोटा है, और इसी ने ये घर बनाया है। बुआ के 2 बेटे हैं, बुआ के 2 घर पहले से हैं, बड़ा बेटा दूसरे घर में रहते हैं, अभी आएगा थोड़ी देर में वो भी। तो बस हम वही डिस्कस कर रहे थे कि किचन को कैसे करें मेंटेन, क्या क्या करें, तो वही सब बातें चल रही थी। तो जो मेरा भांजा है तो वो बहुत परेशान हो रहा था, बोर हो रहा था, तो मैंने उसको बोला जाओ वीडियो बनाओ। ये हमारी माता जी हैं, बोले मेरी मासी है, मेरी मम्मी है, मामा है। ये रहे मेरी मासी जी है, मेरी मम्मी। हमारे घर में फंक्शन आए हुए हैं, ये मैं हूँ, आज हमारे घर में फंक्शन आने वाले हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष जा चुका है बाहर पूरा व्यू दिखाने के लिए। और गाइस सॉरी, मेरे गले में आजकल थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, तो आजकल तो मुझे अपनी आवाज़ ही खुद को ही अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे ब्लॉग जो है कंटिन्यू करना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष ने कुछ खास नहीं बोला, बिल्कुल बेचारा साइलेंट वीडियो बनाई है उसने, और बहुत ही अच्छी कोशिश करी है बनाने की कि पूरा व्यू दिखा सके, अपनी भैंसें दिखाई, नानी के घर की भैंसें, नानी के घर का आस पड़ोस, वहाँ का माहौल। तो
तो गाइज ये जो पेड़ है और झाड़ियाँ वगैरह है, इसके साथ में सामने घर दिख रहे हैं। यहाँ पे पक्की रोड है और ये रोड जो है मेन गांव से जाके टच हो जाता है। बुआ ने थोड़ा आउटिंग में आके घर बनाया है, बुआ के छोटे बेटे ने, और ये बाहर एक चूल्हा बना रखा है जहाँ पानी गर्म होता है, भैंस के लिए दलिया बनाया जाता है, उसका खाना बनाया जाता है। साथ में बाहर वॉशरूम है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर रात को हमें वॉशरूम जाना हो तो घर से बाहर जाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि सारा सुनसान इलाका है और यहाँ पे तेंदुए वगैरह आ जाते हैं, तो डर भी लगता है कि हम कहीं तेंदुए के भोगना बन जाएं। और पता चला मायके में मस्ती करने आए थे और किसी की पेट की पूजा का सामान बन चुके हैं। तो ये आ चुका है सड़क पे और यहाँ से इसने बहुत अच्छा सनराइज़ का व्यू दिखाया और सामने जो घर है वो दिखाए। और यहीं पे मेरी बड़ी बुआ सास का भी घर है। मेरी बुआ, छोटी बुआ और बड़ी बुआ के घर के सिर्फ डिस्टेंस 5 से 7 मिनट का ही दिख भी रहा है स्काई ब्लू कलर का घर। तो अब हम दोपहर को जाएंगे आज अपनी बुआ सास के पास भी, क्योंकि मेरी 2 बुआ सास है और टचवुड मेरे को बहुत प्यार करती हैं, सारा परिवार प्यार करता है। तो जब मैं अपनी बुआ के घर आती हूँ तो मैं अपनी बुआ सास के पास भी जाती हूँ, और मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये इनकी बुआ है। उनकी बुआ उनसे ज़्यादा तो मुझे प्यार करती है। मेरे 3 जेठ हैं, तो जेठानी है, उनके बहू बेटे हैं, मतलब भरा पूरा परिवार है और अच्छी पोस्टों में हैं सारे के सारे। तो मैं तो उधर बोल सकते घर में सबसे छोटी हूँ, इधर भी उधर भी, तो बस छोटे होने के मज़े लूटो। और सबसे बड़ी बात, बड़ों का प्यार लो, आशीर्वाद लो, और ये मोमेंट नहीं मिलते बार बार। पर गाइस गांव में एक दिक्कत तो है अभी भी कि कन्वेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिनके पास अपने साधन हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जिनके पास अपने साधन नहीं है या जिनको ड्राइविंग नहीं आती उनको बहुत दिक्कत होती है। उनमें से एक मैं भी थी, क्योंकि मैं अकेली गई थी तो कुछ कन्वेंस भी नहीं था ज़्यादा। लेकिन टचवुड मेरे भाई के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे भतीजे, उनको सिर्फ इतना बोलना होता था कि मुझे बुआ के घर छोड़ दो, मुझे दीदी के घर छोड़ दो, तो वो अपने सो काम छोड़ के भी मुझे छोड़ते थे। फिर जब मुझे वापस आना था तो मुझे बोल देते थे कि बुआ आप फ़ोन कर देना, हम आपको लेने आ जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी पीठ पीछे जो है मैं सारी रिश्तेदार घूम लेती हूँ। वैसे तो मोस्टली क्या होता था कि हम सब फैमिली में आते थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, लेकिन अब जो है मैंने पाल रखा है पेट डॉग जिसका नाम ड्यूक है और वो वीडियो में आता भी है। तो उसकी वजह से हमें दिक्कत होती है, हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। और इधर दिखी है इसको बिल्ली और इसने बिल्ली को भगा दिया। भाई यहाँ बड़ी है, छोटी अबू आ रहा, बड़ा पुत्र सुजी नहीं करता, रुका जूम कर। ये हारी सी अड़ी लग रही थी लेने पे, कुंचा बुराई कर रहा, कुंचा बड़ाई कर रहा, पर आहे पछाड़ी ले क्या करना, मैं नहीं देना रिंगे ही। तो गाइस मधु बना रही है गलगल खट्टे का मुरब्बा, ये है गलगल, इसका अचार भी बनता है, काफ़ी कुछ बनता है। तो आप बताती हूँ आपको इसने कैसे कैसे मुरब्बा बनाया। वो वीडियो बना रहे हैं, ये के कमाई ना बिचो अपने नंबर पाउंड से पाउंड दीवार हां उड़ा भी दीवार आओ फिर करे जाइए मम्मी सब बोल तू जाइए रो चल ऐसा हां करती रख करते तो अपना काम करते है ना। हम लोग तू आई नहीं ना, शक्कर क्या बाकी लाल लाल दुकानदार ही कर रही चंद्री। तो गाइस मधु ने जो मुरब्बा बनाया वो तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर इसका टेस्ट कैसा है वो बताऊंगी कल। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।